राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2023 का मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले एक गेंदबाजी का निर्णय किया, लेकिन यह निर्णय टीम के लिए काफ़ी ख़राब होता हुआ नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए जहां गेंदबाजी की शुरुआत हुई तो वहां राजस्थान रॉयल्स के लिए भी बल्लेबाजी की शुरुआत हुई। शुरुआत की टीम के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और साथ ही जॉस बटलर ने। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल की ये जोड़ी काफ़ी शानदार रही। टीम की पारी की शुरुआत ऐसी की कि टीम के फैंस काफ़ी खुश हो गए। दरअसल आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और आते ही पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ चौके की बरसात कर दी। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंदबाजी का मोर्चा खलील अहमद ने संभाला और उनके पहले ही ओवर में एक के बाद एक 5 चौके यशस्वी जायसवाल ने लगाए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी के इस ओवर में केवल एक गेंद डॉट खेली, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार चौके लगाए। पहली गेंद पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर फिर चौका जड़ा, फिर चौकों की हैट्रिक को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने एक डॉट गेंद खेली और ओवर की 5वीं और 6वीं दोनों गेंदों पर फिर से चौका लगाया। आपको बता दें कि जायसवाल यहां भी नहीं रुके और इसके बाद जब खलील अहमद अपना दूसरा ओवर लेकर और पारी के चौथे ओवर में आए तब उनकी गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने चौका लगाया और लगातार 2 बार चौकों की हैट्रिक जड़ी। आपको ये भी बता दें कि जॉस बटलर भी इस दौरान काफ़ी चौके छक्कों की बरसात करते हुए नज़र आए और यही नतीजा रहा कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने पावर प्ले यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स में 68 रनों का यानी कि 11.33 के रन रेट से स्कोर खड़ा किया। बहरहाल लगातार चौकों का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने बना लिया है और उन्होंने खलील अहमद की गेंद को काफ़ी आराम से संभाल कर खेला। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।